हे गाइस, मैं हूँ यसर रहमान और आप देख रहे हो टॉप 10 फैक्ट्स। आज मैं पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत और रहस्यमय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सबके साथ शेयर करूँगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में वैसे तो बहुत कुछ खास है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो ये जगह बहुत ही खास है। ये भारत का फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड कहा जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो चलिए ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। लेकिन उससे पहले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ से निकलता है? जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश से। इसीलिए इस राज्य को लैंड ऑफ डॉन यानी सुबह की ज़मीन कहा जाता है। यहाँ सूर्योदय सुबह 4:30 बजे ही हो जाता है। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, ये भारत का ऐसा राज्य है जो भाषा के मामले में सबसे ज़्यादा खास है। यहाँ बांछो, तगीन, डफिया जैसा 30 भाषाएं बोला जाता है, लेकिन यहाँ का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ लोग चाइना भाषा भी बोलता है, क्योंकि ये राज्य चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस राज्य में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है? ये बॉर्डर चाइना, म्यांमार और भूटान से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इसी कारण बहुत सारे मिक्स कल्चर के लोग पाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तवांग। 400 साल पुराना तवांग मठ भारत में सबसे बड़ा मठ है और तिब्बत के ल्हासा में पटला पैलेस के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मठ है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 5, अपतानी अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी के जनजातियों में से एक है। अपतानी महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। 70 के दशक से पहले इन महिलाओं को बड़ी नाक वाले प्लैग पहनना पड़ता था और उनके चेहरे पर टट्टू बनवाया जाता था ताकि उन्हें अन्य राज्य से बचाया जा सके। इस परंपरा को 1970 के बाद समाप्त कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 6, द्री फेस्टिवल्स अरुणाचल प्रदेश का अपतानी जनजाति का एक विचित्र त्यौहार है। इस त्यौहार में पशु और पक्षियों के बलिदान दिया जाता है। पशु और पक्षी के बलिदान से 4 देवताओं तमु, हिरनौग, मेति और दानी को खुश किया जाता है। स्ट्रेंज बट इंटरेस्टिंग, राइट? फैक्ट नंबर 7, 15 अगस्त 1947 को जब भारत एक स्वतंत्र देश बना, तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आमतौर पर NEFA के रूप में जाना जाता है, वो यूनियन ऑफ इंडिया का एक अभिन्न अंग बन गया। 1972 में NEFA एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए वहाँ के सरकार की अनुमति लेना आवश्यकता है, चाहे आप फॉरेनर हो या फिर इंडियन? चौक गए, राइट? इंडियन होकर इंडिया के अन्य एक राज्य में जाने के लिए परमिशन चाहिए? स्ट्रेंज। हाँ, विदेशियों को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है, जबकि भारतीय यात्रियों को इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। फैक्ट नंबर 9, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम, इन 7 उत्तर पूर्व राज्यों को एक साथ 7 सिस्टर्स राज्य कहा जाता है। उत्तर पूर्व भारत का इन 7 सिस्टर्स राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। फैक्ट नंबर 10, हम पहले ही बोल चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन है तवांग। लेकिन क्या आपको पता है कि तवांग को 1962 में चीन और भारत युद्ध के दौरान चीन ने इसे कब्जा कर लिया था, जो कि 1963 में युद्ध समाप्त होने के बाद इंडिया का हिस्सा बन गया। है ना इंटरेस्टिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो चलिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए, बी हैप्पी और कीप एवरीवन हैप्पी।